नमस्कार दोस्तों, पुराना इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ओ लेवल कोर्स क्या है, ओ लेवल कोर्स को कौन कौन कर सकता है और ओ लेवल कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसका फी स्ट्रक्चर क्या होता है और ओ लेवल कोर्स को घर बैठे कैसे किया जा सकता है, इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ओ लेवल कोर्स ऑर्डिनरी लेवल कोर्स होता है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कराया जाता है। ये एक तरीके के गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि एक साल का ये कोर्स होता है और इसके करने के कई सारे बेनिफिट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ओ लेवल कोर्स करने के क्या क्या बेनिफिट हैं। इनमें से सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ARO, RO की वैकेंसी हो या फिर कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी हो, तो इन सभी क्षेत्रों में ओ लेवल कोर्स को अनिवार्य रूप से देखा जाता है। इनके अलावा कई ऐसे गवर्नमेंटेड जॉब्स होते हैं जहाँ पे ओ लेवल की डिग्री मांगी जाती है, तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़रूरी कोर्स अगर कोई कंप्यूटर में है तो वो ओ लेवल कोर्स है, उन्हें करना ही चाहिए। साथ ही साथ जो लोग प्राइवेट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि अगर वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी क्या है, ओ लेवल कोर्स बहुत बेहतर कोर्स होता है। तो ओ लेवल कोर्स करके हम कौन कौन से सेक्टर में जान सकते हैं, इन्हीं सारी टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ओ लेवल कोई भी करके आसानी से यूजर इंटरफेस डिजाइनर बन सकता है, वो वेब डिजाइनर बन सकता है, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट बन सकता है, साथ ही साथ ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकता है, IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर बन सकता है, साथ साथ असिस्टेंट प्रोग्रामर के तौर पे काम कर सकता है, जूनियर प्रोग्रामर के तौर पे काम कर सकता है, इनके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर्स के तौर पे भी काम कर सकता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको लैब कराना है तो लैब भी करा सकता है और कंप्यूटर टीचर्स भी बन सकता है। तो ओ लेवल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो सरकारी जॉब्स के अलावा प्राइवेट जॉब में भी आसानी से जॉब कर पाते हैं। और इनकी अच्छी बात ये होती है कि कोई भी व्यक्ति जो 10+2 किया हो वो आसानी से ओ लेवल कोर्स को कर सकता है। यानी इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो कोई भी व्यक्ति जो 12वीं पास है या ITI कर रखा है, 10+10 के साथ अगर उन्होंने ITI कर रखा है, तो वे सभी NELIT ओ लेवल कोर्स को कर सकते हैं। ये एक प्रकार की IT कोर्स होती है, यानी नॉन फॉर्मल कोर्स होता है ये, जो कि जिसकी ड्यूरेशन जो होती है 1 ईयर की होती है। अलग अलग इंस्टीट्यूटों में इसकी ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है, किसी इंस्टीट्यूट में 1.5 साल, किसी में 2 साल और किसी में 1 साल के अंदर ही ओ लेवल कोर्स को करा दिया जाता है। इसकी एडमिशन की प्रोसेस की बात करूँ या रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बात करूँ तो कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी विद्यार्थी घर बैठे आसानी से ओ लेवल कोर्स को कर सकता है। इसके अलावा वो चाहे तो किसी इंस्टीट्यूट की मदद से भी आसानी से ओ लेवल कोर्स को कर सकता है, क्योंकि ओ लेवल कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले NELIT की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है और ये रजिस्ट्रेशन आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी कर सकते हैं और आप स्वयं कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ओ लेवल कोर्स को घर बैठे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी इंस्टीट्यूट की मदद से भी कर सकते हैं। ओ लेवल कोर्स करने का जो फीस होता है वो अलग अलग इंस्टीट्यूटों में अलग अलग तरीके का इसका फी होता है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूटों की जो फीस होती है 20,000 से लेकर के 30,000 के बीच ही होती है। इसके अलावा इसकी सैलरी की बात करूं तो प्राइवेट जॉब्स में जो है इसकी सैलरी होती है ये 20,000 से लेकर के 30,000 के बीच में होती है, जबकि सरकारी जॉब्स में जो होती है इसकी सैलरी अलग अलग हो सकती है। जैसा जॉब सरकारी नौकरी में होगा वैसा ही उसका सैलरी भी होगा। बात करूँ यहाँ पे इसकी सिलेबस की, तो ओ लेवल के अंदर जो सिलेबस होता है इसके अंदर 4 पेपर होते हैं। इनमें से पहला पेपर होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, दूसरा होता है आपका वेब डिजाइनिंग, तीसरा होता है आपका पाइथन और चौथा होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी टोटल मिलाकर के आपके 4 पेपर होते हैं इसमें और चारों पेपर को क्वालिफाई करना होता है, यानी कि चारों पेपर में आपके पास होंगे तभी आपको ओ लेवल क्वालिफाई होंगे। साथ ही साथ प्रत्येक पेपर के साथ आपको एक प्रैक्टिकल भी करना होता है, यानी 4 पेपर के साथ 4 प्रैक्टिकल भी करना होता है। यानी प्रत्येक पेपर को लॉक करते समय इसके प्रैक्टिकल को भी लॉक करने होंगे और थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलग अलग एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। यानी 4 पेपर आपके इसके होंगे जो थ्योरी के होंगे और 4 पेपर आपके प्रैक्टिकल होंगे। ये थ्योरी एग्जाम पहले लिखने के लिए आता था लेकिन अब लिखने के लिए नहीं आता है, इसके लिए आप CVT एग्जाम देते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, जिनमें 100-100 नंबर के प्रश्न पत्र आते हैं। 100 नंबर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आता है, 100 नंबर वेब डिजाइनिंग से, 100 नंबर पाइथन से और 100 नंबर IoT से आते हैं। टोटल 400 नंबर के थ्योरिटिकल एग्जाम होते हैं और 400 प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। 8 एग्जाम होंगे, 8 दिन आपको जाकर के एग्जाम देना होता है। इसके बाद से आपको एक प्रोजेक्ट बना करके NELIT को भेजना होता है, फिर करके आपका वो लेवल का कोर्स कंप्लीट होता है। इस कोर्स को अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो ये प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट के थ्रू बनवाया जाएगा, अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट को आप स्वयं भी बना करके भेज सकते हैं।
यहाँ पे इसका नाम जो है, इसके सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे अभी जो है मॉड्यूल 1 लिखा है, M1, M2, M3, M4 यानी ये मॉड्यूल इसके नाम है, और यहाँ पे R5.1 का मतलब है रिवीजन 5.1 जो कि इसका सिलेबस का वर्जन है। नेलिट हर 2-3 साल में अपने सिलेबस में काफ़ी बदलाव करता है, ऐसे सिचुएशन में आप ये समझ दिए कि R5.1 इसका लेटेस्ट वर्जन है और इन्हीं सिलेबस को आपको पढ़ना होता है। अगर आप पुराने सिलेबस की बात करें तो वहाँ पे रिवीजन 4 लिखा होगा या 5.0 लिखा होगा, ये इसके पुराने सिलेबस हैं। पुराने सिलेबस में मात्र एक ही प्रैक्टिकल देना होता था और इसके पेपर में जहाँ पाइथन है वहाँ पे सी लैंग्वेज की पेपर देनी होती थी, लेकिन अभी पूरी सिलेबस बदल चुकी है और इन्हीं पेपर की आपको तैयारी करनी होती है। साथ ही साथ बात करूँ यहाँ पे सिलेबस की टाइमिंग की, तो इसमें 540 घंटे में इस पूरे कोर्स को कंप्लीट पढ़ाया जा सकता है या पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें 48 घंटे की पेपर होती है पहला वाला जो थ्योरी का होता है, 72 घंटे की इसकी प्रैक्टिकल होती है, तो 120 घंटे ट्रेनिंग लेने में आपका पहला पेपर का तैयारी हो जाता है। इसी तरीके से आपके सभी पेपर की तैयारी करने में लगभग 540 घंटे लगते हैं, तो ऐसे में अगर आप डेली 2 घंटे की तैयारी करते हैं तो 1 साल के अंदर ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो ओ लेवल की रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट student.nelit.jv.in की वेबसाइट पर जाकर के ओ लेवल का सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में आपका ₹500 का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है और फिर इसके लिए आपको 5 साल तक यूजर नेम पासवर्ड के तौर पर आपको नेलिट की तरफ से एक यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता है और 5 साल तक लॉगिन करके नेलिट की वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं और अपने पेपर को लॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करूं यहाँ पे प्रत्येक पेपर को लॉक करने के लिए जो है थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों के पेपर को लॉक करना होता है और एक पेपर को लॉक करने में लगभग ₹1100 के आसपास के चार्ज लगते हैं, यानी इसमें 4 पेपर हैं और जब भी आप पेपर को लॉक करने जाएंगे यहाँ पे मान के चलिए आपने पहले पेपर को लॉक किया तो इसके लिए ₹1100 चार्ज लेंगे, इस प्रकार से 4 पेपर हैं तो ₹4400 केवल पेपर लॉक करने के समय चार्ज लेंगे। जिस भी पेपर का एग्जाम देना है उस पेपर को पहले हमें लॉक करना होता है और जब हम लॉक करेंगे तो इसके हिसाब से इस तरीके के चार्ज लेंगे, प्लस आपने ₹500 रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया और आप प्रोजेक्ट जब लॉक करेंगे तो उसमें भी ₹100 के आसपास के चार्ज लेंगे, यानी इस तरीके से हमारा ₹5000 जो है केवल रजिस्ट्रेशन के तौर पर नेलिट को देना होता है। अब जो एग्ज़ाम होते हैं वो नेलिट की तरफ से साल भर में 2 बार एग्ज़ाम कराए जाते हैं, एक जो एग्ज़ाम होता है हर साल जो है जनवरी में होती है और एक जुलाई में होती है, यानी साल भर में 2 बार इसके एग्ज़ाम होते हैं, एक जनवरी में दूसरी जुलाई में इसके एग्ज़ाम होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि जनवरी में जो आप पेपर लॉक करेंगे जनवरी में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले इसकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है और पेपर लॉक करने होते हैं। इसी तरह जुलाई में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको अप्रैल तक आपको पेपर को लॉक करना होता है और आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इसके प्रोजेक्ट को कैसे हम बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट ओ लेवल कर रहे हैं तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट आप स्वयं ही बनाएंगे और नेलिट को भेजेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कि जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें जो है MCA होल्डर की सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे स्थिति में आप किसी MCA होल्डर से सजेशन ले सकते हैं, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो ये इंस्टीट्यूट आपको खुद ही इसका प्रोजेक्ट वगैरह बना करके सबमिट करवा देता है। इसकी रिजल्ट की बात करूँ तो जब आप ओ लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देने के 2 महीने के बाद आपके रिजल्ट नेलिट की वेबसाइट पर शो करने लगता है और उसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओ लेवल की तैयारी कैसे करें, यानी ओ लेवल तैयारी अगर हम करना चाहते हैं घर पे तो कैसे करेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति अगर ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो पहले ये ध्यान रखें कि उससे पहले कंप्यूटर में कितनी कुछ जानकारी है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से कंप्यूटर आता है, काफ़ी अच्छा अगर जानकारी है कंप्यूटर में, तो वो इंटरनेट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या जिस भी प्लेटफॉर्म से वो पढ़ाई करना चाहता है उस माध्यम से वो रिसर्च करके पढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप इंस्टीट्यूट का हेल्प ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट आपको कम समय में इन सारी चीज़ों की जानकारी दे सकता है और सही अच्छे और अच्छे नंबर से पास भी करवा सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप पडरौना इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, जो मेरे इंस्टीट्यूट है पडरौना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे ज्वाइन करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि ओ लेवल कोर्स को कराने के साथ साथ हम लोग CCC के भी कोर्स, CCC, BCA और ADCA कोर्स को आपको मुफ्त में पढ़ाएंगे, यानी इसके लिए कोई चार्ज ही नहीं लेंगे। ओ लेवल का फीस भी जो होगा वो पडरौना में सबसे न्यूनतम होगा, सबसे कम फीस में आपको ओ लेवल की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके साथ साथ CCC, DCA और ADCA ये तीनों कोर्स करवाए जाएंगे। और बात करूँ यहाँ पे इसकी सर्टी की, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ओ लेवल कोर्स में जो चारों पेपर होते हैं वो 100% पास कराने की गारंटी दी जाती है, यानी कि अगर आप चारों पेपर नहीं पास होंगे तो आपका पूरा फी रिफंड कर दिया जाएगा। जिस भी पेपर में आप फेल होते हैं उस पेपर का फी हम लोग रिफंड कर देंगे, ये गारंटी देते हैं। तो यदि आप ओ लेवल में चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करें तो पडरौना इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि पडरौना इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि यदि आप किसी भी
पेपर में फेल होते हैं तो पूरा फी रिफंड देंगे हम लोग। इसलिए चाहेंगे कि आप जो है पढ़ोना इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। आपको बताना भी चाहेंगे कि हाल ही में जो पिछली बार एग्जाम हुआ है उसमें हमारे यहाँ से 23 स्टूडेंट जो है पेपर दिए हैं, उनमें से 22 स्टूडेंट का जो है वो लेवल क्वालिफाई हो गया है और बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हुए हैं, जिसका रिकॉर्ड आप चाहें तो पढ़ोना इंस्टीट्यूट पर आकर देख भी सकते हैं। तो ये गारंटी आपको पास करने की, और हम लोग 100% श्योरिटी करते हैं कि यदि कोई बच्चा 100% अपना अटेंडेंस देता है या 90% से भी अटेंडेंस देता है तो ये गारंटी है कि वो लेवल में वो पास करके ही जाएगा यहाँ से, और हम लोग पास करा के ही छोड़ेंगे आपको, है ना। और आगे आपको बताना चाहेंगे कि ओ लेवल की जो फ़ी रखी गई है सबसे कम रखें हम लोग, पढ़ोना में आने इंस्टीट्यूट से बहुत कम फीस है। आप आइए इंस्टीट्यूट पे, ओ लेवल की फ़ी स्ट्रक्चर, इसकी सिलेबस और भी विस्तृत जानकारी आपको इंस्टीट्यूट पे प्रोवाइड की जाएगी, पर इतना समझ लिए कि इसके साथ आपका ओ लेवल के साथ ट्रिपल सी भी फ्री है। एक और हम लोग जो है प्रोग्राम के तौर पर कुछ बच्चों को रिवॉर्ड के तौर पर जो है हम लोग इस ओ लेवल के साथ कुछ रिवॉर्ड भी देते हैं, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट ओ लेवल में पास करता है और उसके चारों पेपर में यस ग्रेड आता है तो उन सभी छात्रों को एक एक लैपटॉप हमारे तरफ से दिया जाएगा। यानी कोई लड़का अगर ओ लेवल में अच्छा नंबर लाता है तो हम लोग रिवॉर्ड के तौर पे उसको एक एक लैपटॉप देंगे, और ये लैपटॉप 10 बच्चों तक सीमित रहेगी। यानी 10 बच्चे अगर ओ लेवल पास करते हैं यस ग्रेड तो उन सभी 10 बच्चों को वो लैपटॉप हम लोग देंगे। तो ये ध्यान रखना कि यदि आपको लैपटॉप पाना है तो आप क्या करेंगे, सभी पेपर को पास करेंगे और विद एस ग्रेड के साथ। और मुझे विश्वास है कि यदि आप ओ लेवल हमारे यहाँ से करते हैं और पूरी मेहनत से तैयारी करेंगे तो एक ही अटेम्प्ट में आपका एस ग्रेड भी आएगा और आप पास भी कर जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, जब भी आपको ओ लेवल के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो पढ़ोना इंस्टीट्यूट को जरूर सेलेक्ट करें, एक बार आकर के डेमो लें और फ्री में पहले 10 से 5 दिन पहले पढ़ें, समझ में आए तो ही एडमिशन लें। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।